एक तरफ घर जल रहा था और दूसरी तरफ दूल्हा और दुल्हन फेरे ले रहे थे। ऐसी एक विचित्र घटना चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में घटी। नई नवेली दुल्हन को जले हुए घर में ही प्रवेश कराया गया और मजबूरी में नई जोड़ी के रहने की व्यवस्था पड़ोसी के घर में की गई। वो अभी उठ रहा है क्योंकि आग अभी जल रही है। घर का कोना कोना इस आग की भेंट चढ़ गया। इस आग में एक नहीं बल्कि कई घर जलकर खाक हो गए। एक तरफ आग ने घर जला दिया तो दूसरी तरफ बाधिता ऐसी कि इस जले हुए घर में नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश कराना पड़ा। वर वधु जब फेरे ले रहे थे उस समय ये घर जल रहा था। घर क्यों जला ये कोई नहीं जानता। ये जो खोपिया है खोपिया पूरा एकदम जो है हदक रहा है। अब हदक रहा है तो हम बाय में जो है उधर से तड़प गए और उसके बाद फिर जो है तड़पने के बाद तो फिर जो किसी तरह से अपना हम जान बचाए। बाकी पूरे जो है घर में रेला जो लग गया पूरा जो है मैं आग लग गई जाने के कारण घर को जो है पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। परेशानी है कहाँ रखिएगा सोना चांदी खाना खाना पीना सब घर की सारी चीजें जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ। आग ने इस घर के साथ एक नव दंपत्ति के अरमानों को भी जला डाला। दुल्हन का गृह प्रवेश तो हुआ लेकिन दुल्हन के पैर रखने के लिए एक कदम भी जगह घर में बाकी नहीं थी। उसने किसी तरह अपनी रस्में पूरी की और कुल देवता की पूजा की। हम लोग को जाने के दौरान घर में आग लग गया और उसी घर में हम लोग को द्वार लगना पड़ा। दुख तो अंदर दिल से बहुत हुआ और अब कुछ कर भी नहीं सकते। अभी रखेंगे अभी अड़ोस पड़ोस में। जब शादी करके पहली बार हम घर में आए तो पता चला कि इसमें पूरा आग लग चुका है। इसके वजह से बहुत क्षति हुआ। घर पूरा जल गया है। हमको उसे घर में द्वार लगाना पड़ा। बहुत दुख की बात है। टंडवा थाना क्षेत्र के इस असना लेबर गांव की घटना से पूरा इलाका सन्न है। शादी की सारी खुशियां फीकी पड़ गई। दूल्हा दुल्हन के रहने की व्यवस्था गांव के एक पड़ोसी ने की है। अब आगे क्या होगा? ये परिवार कहाँ रहेगा? इनका गुजारा कैसे होगा? ऐसे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें